भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के पास इन दिनों दुनिया का नंबर वन गेंदबाज और नंबर वन ऑलराउंडर बनने का शानदार मौका है। वो इस समय आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के बाद दूसरे नंबर पर और टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में जेसन होल्डर के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। कमाल किस खिलाड़ी के पिछले कुछ साल काफ़ी खराब रहे हैं। पिछले कई सालों से टीम में जगह न मिलने के बाद भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कई बार क्रिकेट से संन्यास लेने का भी सोचा था, पर परिवार के सपोर्ट से रविचंद्रन अश्विन अपने आप को संभाल ले गए। लेकिन एक इंटरव्यू में रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री के बारे में एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। अश्विन ने टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री के बारे में बताते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2019 के सिडनी टेस्ट में जब कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए तो हर कोई खुश था, मैं भी काफ़ी खुश था। लेकिन इस दौरान जब टीम के कोच रवि शास्त्री ने कुलदीप यादव को विदेशों में भारत का टॉप स्पिनर बताया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जैसे बस के नीचे फेंक दिया हो। अश्विन ने आगे इसके बारे में और बताते हुए कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोग मेरी चोटों को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं जितना कि उन्हें लेना चाहिए, जबकि ऐसी स्थिति में और लोगों को सहारा दिया गया। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मेरा योगदान भी किसी से कम नहीं रहा था, पर मुझे बीच भंवर में छोड़ दिया गया। अश्विन ने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि मैं इस वाकये के बाद अपने कमरे में लौटा और अपनी पत्नी से बात की और हम इससे आगे बढ़ गए। अब अश्विन किसी बयान पर टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने भी पलटवार किया है। इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में रवि शास्त्री ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले सिडनी टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन टीम का हिस्सा नहीं थे और कुलदीप यादव ने इस मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, इसलिए कुलदीप यादव को क्रेडिट दिया गया। रवि शास्त्री ने आगे बताते हुए कहा कि अश्विन को अगर ये बात लगती है तो मुझे खुशी है, इस बात ने उसे कुछ और करने के लिए प्रेरित किया। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने अपने बयान में ये भी कहा कि मेरा काम हर खिलाड़ी को मक्खन लगाना नहीं है, मेरा काम बिना किसी एजेंडा के सही पॉइंट्स पर बात करना है। रवि शास्त्री ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि अगर आपको कोई कोच चुनौती देता है तो आप क्या करेंगे, रोते हुए घर जाएंगे या कहेंगे कि मैं वापस नहीं आऊँगा। एक खिलाड़ी के रूप में कोच को गलत साबित करना, इसे मैं एक चुनौती के रूप में लूंगा। अगर मेरे कुलदीप यादव के ऊपर दिए गए बयान से रविचंद्रन अश्विन को चोट पहुंची है तो मैं काफ़ी खुश हूं कि मैंने ऐसी बात कही जिससे अश्विन को बुरा लगा और उन्होंने कुछ और ट्राई करके टीम में जगह बनाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज अभी जल्दी ही बने हैं। अश्विन ने टेस्ट मैचों में भारत के लिए अब तक कुल 427 विकेट लिए हैं। अश्विन भारत के दूसरे सबसे सफल स्पिनर हैं। रविचंद्रन अश्विन से ज्यादा विकेट अब तक सिर्फ भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले ने लिए हैं और कुंबले के नाम टेस्ट में कुल 619 विकेट दर्ज हैं। इसके साथ ही रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बोल्ड आउट करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। तमिलनाडु से जुड़ाव रखने वाले रविचंद्रन अश्विन ने नवंबर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। टेस्ट गेंदबाजी के अलावा रविचंद्रन अश्विन ने बल्लेबाजी के जरिए भी भारतीय टीम को मुश्किल के समय में बाहर निकाला है। अश्विन ने अब तक 113 टेस्ट पारियों में 27.82 की औसत से 2,755 रन बनाए हैं। इस दौरान अश्विन के बल्ले से 5 शतक और 11 अर्धशतक भी निकले हैं। अश्विन और रवि शास्त्री दोनों में से आप किसको सही मानते हैं, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ये बताना ना भूलें आप रविचंद्रन अश्विन को टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में से किस फॉर्मेट में सबसे अधिक सफल गेंदबाज मानते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। क्रिकेट की दुनिया जुड़ी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद।